हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीना और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं कि एलोवेरा जेल, स्टेम या सिर्फ, इन्हें लंबे टाइम तक बिना रेफ्रिजरेटर के कैसे स्टोर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं इन्हें कैसे प्रिजर्व करने वाली हूँ। एलोवेरा जेल को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है फ्रेश एलोवेरा स्टेम और इससे मैं निकालने वाली हूँ एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसे पील करूँगी। एलोवेरा स्टेम से एलोवेरा जेल को आसानी से कैसे निकालें उसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पर मिलेगा, तो वहाँ पर जाके आप ज़रूर से चेक कर लें। तो ये देखिए, फाइनली मैंने सारा का सारा एलोवेरा जेल निकाल लिया है और इस जेल को अब मैं बनाने वाली हूँ लिक्विड। तो मैंने कर लिया है ब्लेंड और ये देखिए इस तरीके से ये लिक्विड हो चुका है और इसे मैंने छन्नी से छान लिया है ताकि इसमें किसी भी तरह का कोई लम्स या मोटे टुकड़े ना रहें। तो ये देखिए, ये बिल्कुल स्मूथ से तैयार हो गया है और जितने भी मोटे टुकड़े थे उन्हें मैंने अलग से प्लेट में निकाल लिया है और इसे मैं इंस्टेंट एज ए स्क्रबर की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ, फेस या फिर बाजू पर या हाथों पर। तो चलिए, सबसे पहले मेथड है स्टोर करने का। ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो अभी एलोवेरा जेल को निकाला था तो उसे मैं डायरेक्टली किसी भी बॉटल में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कांच की बॉटल ले ली है, जो पुरानी दवाइयों की बॉटल्स होती है मैं उसी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए, और एयर टाइट होनी चाहिए। तो इसमें मैं मिलाने वाली हूँ साथ में विटामिन सी के कैप्सूल्स। तो कैप्सूल्स मिलाने के लिए पहले उसकी क्वांटिटी देख लीजिए। बॉटल में मैंने यहाँ पर ये फुल ऊपर तक भर दी है बॉटल और इसमें मैं 2 टेबलेट इस्तेमाल कर रही हूँ। टेबलेट को मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया है क्योंकि ऐसे अगर मोटे सीधा ही डायरेक्टली डाल देंगे तो फिर घुलने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और पाउडर जो है वो जल्दी से घुल जाता है, तो इसीलिए मैंने इसे पाउडर बना दिया है। और ये देखिए, मैंने इसे 2 टैबलेट 6 शीशी में भर दी हैं और अब इसे मैं बंद करके करूँगी शेक, और शेक करते ही ये अच्छे से आपस में घुल जाएगा और फिर देखिए इसका चमत्कार। ये 1 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा और इसका इस्तेमाल हम अपने बालों में एज ए कंडीशनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर वॉश के बाद हम इसको हल्का सा लेके अपने बालों में लगा सकते हैं और उसके बाद फिर से नॉर्मल वाटर से हम इसे वॉश कर सकते हैं। जैसे कि हम कंडीशनर लगाते हैं वैसे हम इसे इस्तेमाल करेंगे कंडीशनर की जगह पर और उसके बाद फिर से नॉर्मल पानी से हल्का सा धो लेंगे, तो हमारे बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेंगे कंटिन्यू इस्तेमाल से। काफ़ी ये फायदेमंद होता है, बालों की ड्राइनेस काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसे हम अपने स्किन के लिए कोई भी मॉइस्चराइज बना रहे हैं या स्किन के लिए कोई भी फेस पैक बना रहे हैं तो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में अगर स्किन ड्राई है, फटी एरिया है तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 1 महीने के लिए सिर्फ बिल्कुल सेफ है, हम इसका इस्तेमाल बिना रेफ्रिजरेटर या बिना कहीं पर भी इस्तेमाल करें, बस डायरेक्ट सनलाइट पर नहीं रखना है इसे। है लंबे टाइम तक एलोवेरा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्रेश छना हुआ एलोवेरा जेल ले लिया है लगभग 1 गिलास और इसमें मैं लगाने वाली हूँ उबाले। तो मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाना है। तो ये देखिए, ये बहुत ही स्टिकी सा और चिपचिपा सा होता है जब इसे फ्रेश निकलता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाते जाते हैं एलोवेरा जेल को, तो इसका जो स्टिकीनेस है, चिपचिपापन है, वो काफ़ी कम हो जाता है और इसके ऊपर जो झाग आता है ना उसे निकालते जाना है। जितनी ट्रांसपेरेंटी आप चाहते हैं कि आपके एलोवेरा जेल में बने तो उसके लिए इसका जो झाग है ना उसे टाइम टू टाइम निकालते रहना है। और ये देखिए, अब मैंने ले लिया है यहाँ पर अगार, जिसकी वीडियो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने एलोवेरा जेल को कैसे बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा या आई बटन पर। तो उसी में भी मैंने यही चाइनीज ग्रास जो इस्तेमाल किया था, ये अगार और 100% वेजिटेरियन होता है ये। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अगार ही इस्तेमाल करें, और अगर आप नॉन वेज हैं तो आप इसकी जगह पर जिलेटिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मार्केट में 110 रुपये का आ जाता है, लेकिन ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो उसमें आप ज़रूर से चेक कर सकते हैं कि ये ऑनलाइन कहाँ और कितने का आता है। बाकी ये हर जगह पर आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, तो मैंने तो इसे सदर बाज़ार दिल्ली से लिया था तो वहाँ पर मुझे ये आसानी से मिल गया था, तो मैं वहीं से ही मंगवाती हूँ। और ये देखिए, अब इसे पानी में जब अच्छे से घुल जाएगा तब तक इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाते जाना है। जो जैसे जैसे इसमें झाग आता है उसे निकालते जाना है, जितनी ट्रांसपेरेंटी आप चाहते हैं तो झाग निकालना ज़रूरी है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने विटामिन ई के कैप्सूल्स लिए हैं, ये ऑप्शनल है,
पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसे मैं और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये विटामिन ई, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा असरदार भी होते हैं और स्किन को ग्लोइंग भी बनाते हैं, तो इस वजह से मैंने ये लिए हैं। साथ में आप चाहते हैं कि इसमें अच्छी अच्छी सी खुशबू भी आए, वैसे तो इसकी जो नेचुरल अरोमा है ना वो भी बहुत ही बढ़िया होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसमें एसेंशियल ऑयल भी मिला सकते हैं। और ये देखिए अब बिल्कुल घुल चुका है ये पानी में और अब बिल्कुल तैयार है। अब मैं फ्लेम को बंद और इसको अब किसी भी छन्नी से छान लेना है या किसी कॉटन के कपड़े से भी छान सकते हैं। ध्यान रहे कि इसे हल्का गर्म ही छानना है क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होगा तो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और इसका छनना मुश्किल हो जाएगा। और छानने के लिए किसी भी मेटल वाली छन्नी का ही इस्तेमाल करें क्योंकि अगर आप प्लास्टिक वाली छन्नी का इस्तेमाल करेंगे तो वो पिघल सकती है, या फिर किसी कॉटन के कपड़े से भी इसे छान सकते हैं। ये देखिए जो इसका गाढ़ा बचा है इसे हम इंस्टेंटली फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, फेस पैक के लिए, या फिर बालों के लिए हेयर मास्क बना रहे हो तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये तैयार हो चुका है। अब इसे मैं हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आने दूंगी और ये देखिए रूम टेम्परेचर पर आते ही ये हल्का सा गाढ़ा हो चुका है और ये बहुत ही बढ़िया सा जेल बनके तैयार हो चुका है। और ये देखिए इसकी ट्रांसपेरेंटी को बरकरार रखने के लिए जब भी आप इसे बनाते हैं तो इसका झाग जितना आप निकालते जाएंगे उतनी ही इसकी ट्रांसपेरेंटी बढ़ जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा जेल बनके तैयार हो चुका है। चलिए इसके फ़ायदे देखते हैं। इस जेल का इस्तेमाल हम एज ए क्रीम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नाइट क्रीम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को सोने से पहले हम इसे अगर लगाते हैं तो हमारी स्किन कभी भी फटेगी नहीं, रूखी सूखी नहीं होगी और उनकी ड्राइनेस तो कम होगी ही होगी। साथ में हम इसका इस्तेमाल फटी हुई एरिया या फटी हुई स्किन में भी कर सकते हैं। इसको हम स्टोर कर सकते हैं लगभग 6 महीने तक और बिना किसी रेफ्रिजरेटर के ये आराम से यूज़ किया जाएगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 6 महीने तक हम इसे बेफिक्र होके यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड और बिल्कुल नेचुरल मेथड है ये से एलोवेरा जेल को स्टोर करने का। तो ये देखिए अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन ये आप बिल्कुल अनोखा ही तरीका देखेंगे। आज से पहले शायद आपने ये वाला तरीका कहीं भी नहीं देखा होगा क्योंकि ये तरीका मैंने इस्तेमाल किया है तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये 100% मेरा अजमाया हुआ तरीका है। कोई भी बड़ा सा बाउल ले लें, उसमें मिट्टी डाल दें और उसके बाद आप इस तरीके से या तो फिर इसके नीचे टिश्यू पेपर रख सकते हैं और उसके बाद आप एलोवेरा स्टेम को रखें, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली ही एलोवेरा स्टेम को रख रही हूँ। हफ्ते हफ्ते में बीच में जब आपको लगे कि ये मिट्टी सूख गई है तो इस तरीके से आप इसे चम्मच से या डायरेक्टली ग्लास से भी पानी दे सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसमें पानी दे सकते हैं। और वाओ कितना नेचुरल मेथड है ये स्टोर करने का एलोवेरा स्टेम को, और इसे आप बना सकते हैं एलोवेरा जूस। तो चलिए देखते हैं इसके फायदे। ये वाला मेथड सबसे आसान है, जब भी आप कहीं से लेकर के आए तो इस तरीके से स्टेम को आप इस तरीके से मिट्टी के अंदर रख दें और जब मिट्टी ये ड्राई हो जाए, सूखने लगे हल्की सी ही, तो पहले उसमें जैसे हम पौधों को पानी देते हैं उसी तरीके से, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे, मिट्टी ज़रूरत से ज़्यादा गीली रहेगी, तो फिर ये जो है एलोवेरा स्टेम सड़ना भी शुरू हो सकती है। तो इसीलिए इसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना है, उतना ही पानी देना है जितना कि ये मिट्टी हल्की सी गीली रहे, बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। और गीली का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कीचड़ की तरह गीली रहे, वैसी नहीं है, जैसी नॉर्मल हम प्लांट्स के लिए मिट्टी को रखते हैं उसी तरीके की मिट्टी होनी चाहिए। और ये बहुत जो इम्पोर्टेंट है लाइफ टाइम के लिए आप एलोवेरा जेल को स्टोर कर सकते हैं वो है प्लांट। प्लांटिंग करना एलोवेरा को बहुत ही आसान है। उसे प्लांटिंग कैसे करना है आप देख सकते हैं वीडियो में। एलोवेरा का आप अगर एक पौधा भी किसी भी गमले में लगाएं तो उसके कई प्लांट्स अपने आप ही निकल के आ जाते हैं, जैसे कि आप देखिए इस वीडियो में कितने सारे पौधे निकले हैं। एक प्लांट में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, अगर आपका गमला छोटा है तो आप उन छोटे छोटे प्लांटों को अलग अलग गमले में लगा दीजिएगा, तो ऑटो आपके बहुत बड़े बड़े से पौधे ग्रो होने लगेंगे और आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से एलोवेरा को उगा सकते हैं। और अगर आप एलोवेरा को उगाते हैं, क्योंकि एलोवेरा जो है ना वो कितना असरदार है, कितना इफेक्टिव है, कितना गुणकारी है, इसके गुण का जितना मैं गुणगान करूँ उतना कम है, क्योंकि ये तो मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये तो हम सभी जानते हैं कि एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा एक नेचुरल, भगवान की दी हुई एक नेचुरल औषधि है, एक नेचुरल रेमेडी है जिसको हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चारों ही मेथड बहुत ही यूजफुल है। अगर ये मेथड पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।